फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा शर्मा, आपकी दोस्त। दोस्तों, हमारा ये शो पंडित जी कहें वास्तु बेस्ड शो है, जिसमें हम वास्तु से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ बदलने में कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे वास्तु एक्सपर्ट कमल नंदलाल जी से, जो आपकी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया पंडित जी। नमस्कार दर्शकों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के बारे में, जो चौराहे के बीच में बने होते हैं। तो चलिए लेते हैं इन्फॉर्मेशन पंडित जी से। तो पंडित जी, चौराहे वाले घरों में जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको कैसे दूर किया जाए? बहुत अच्छा सवाल, और अमूमन ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में ज़रूर होता है जो चौराहे के निकट या चौराहे के इधर अपने घर बसाने का प्रयास करता है, बस नहीं पाता। देखिए, साइंस का और मैथमेटिक्स का एक बहुत आसान सा रूल है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव लीड्स टू पॉजिटिव। जब आप एक नकारात्मक चीज़ में नकारात्मक चीज़ को जोड़ देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और उस जगह को ठीक करने का, राहु के स्थान को ठीक करने का सबसे आसान उपाय है केतु को वहाँ बिठा देना। और केतु का जो कलर होता है वो होता है धूम्रवर्ण, कुछ पीला ग्रे कलर का। जो मकान चौराहे पर बने हैं, अगर वहाँ पर दो रंगे मकान बनाए जाएँ, एक ही मकान में डबल शेड्स हो, और वो शेड्स गुरु से और राहु से हटके हों, यानी कि वहाँ पर केतु इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। वहाँ पर धुएं वाले शेड्स आप पुट कर सकते हैं, वहाँ पर मटमैले शेड्स आप पुट अप कर सकते हैं, पीला तो रंग हो उसमें लेकिन माटी मिला हो, ऐसे अगर कलर्स आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाएँ अशोक के, और कुछ एक ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो फूल नहीं देते, जो फल भी नहीं देते, लेकिन वो पेड़ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रोकने का काम। लेकिन अशोक का पेड़ कैसे, आप मतलब उस बात को मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, अशोक का पेड़ में एक खासियत होती है, अशोक का पेड़ आपकी नेगेटिविटी को सर्वाधिक रूप से रोकता है। क्योंकि अशोक के पेड़ को अशोक कहा क्यों गया, क्योंकि उसको कभी शोक नहीं होता, उसको कभी दुख नहीं होता, और वो एकमात्र विजेता है। वो पेड़ नेगेटिविटी को सर्वाधिक रूप से सोख लेते हैं, और वो पेड़ छाया का भी वास्तु दोष पैदा नहीं करते। इसलिए अगर सामने की तरफ, चौराहे की तरफ, आपने लॉन में या मकान के बाहर अगर स्पेस है आपके पास, तो वहाँ पर अशोक के पेड़ लगाइए, और वो पेड़ जो है आपकी नेगेटिविटी को चौराहे की रोकने का काम कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि घर में एक बजरबट्टू ज़रूर लगाया जाए, बजरबट्टू एक काली हंडी होती है, उसे ज़रूर लगाया जाए, वो नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक सोख लेते हैं। और ज़रूर है कि उस घर का जो कलर है वो धूम्रवर्ण हो या मटमैला हो, ये कराएं तो उससे काफ़ी हद तक फर्क आ जाता है। इतनी सारी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम चलते हैं पंडित जी से अपने स्पेशल वास्तु टिप के लिए। जी नेहा, आज की वास्तु टिप भी जो है वो क्रॉस रोड से संबंधित है, चौराहे से संबंधित है। अगर आपका मकान, अगर आपकी दुकान या आपका कोई भी प्रतिष्ठान चौराहे पर पड़ रहा है और वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा वास हो गया है, तो एक बहुत शानदार सा उपाय श्री कृष्ण से संबंधित उपाय, मोर पंख जो है बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है नेगेटिव को झाड़ने के लिए। आपने देखा होगा मंदिरों में, बहुत सारी मस्जिदों में भी, दरगाहों में, यहाँ तक कि गुरुद्वारों में भी झाड़ा लगाया जाता है मोर पंख से। मोर पंख का काम होता है किसी भी तरीके के नेगेटिव चार्ज को उतार के फेंक देना। तो आप एक बहुत अच्छा सा उपाय करें, वो ये है कि तीन मोर पंख ले लें, उसको सेलो टेप से इस प्रकार चिपका लें कि वो एक दूसरे के परस्पर पैरेलली चिपक जाए, और उसे आप बिल्कुल चौराहे वाली तरफ घर के सामने पेस्ट करके लगा दें, चिपका के लगा दें, और ध्यान रहे कि वो उखड़ने ना पाए, उसकी टेपिंग जो है आप अच्छे तरीके से करें। ये राहु के प्रभाव को, चौराहे के नेगेटिव प्रभाव को 100% रोक लेती है, और साल में कम से कम एक बार उन जो मोर पंख है उसको धो करके साफ करके वापस उसे प्लेस करके लगा दें। साल में कम से कम एक बार ये ज़रूर करें, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।